वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर ठीक है तो डीप वाटर का मतलब क्या हुआ गहरा पानी या फिर पानी में बहुत गहराई में ठीक है तो यहाँ पे जो है पहले इसके ऑथर जानो क्योंकि इसके ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके ऑथर का नाम क्या है विलियम डगलस ठीक है तो विलियम डगलस ने ही अपनी एक स्टोरी जो है हमें बताई है जिसमें उन्हें जो है एक फोबिया हो जाता है वाटर से और वो क्यों होता है उसका रीज़न होता है एक एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ है ना तो वो हम जानेंगे इस चैप्टर में तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं ठीक है तो पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेंगे द फॉलोविंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्राम ऑफ मैन इन माउंटेन्स बाई विलियम और डगल्स ठीक है एक्सर्प्ट कोई भी छोटा सा हिस्सा या छोटा टुकड़ा है ना कोई बड़ी कहानी का या कोई बुक है उसमें से लिया हुआ छोटा सा हिस्सा है छोटा सा पार्ट है जो हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है ऑफ मैन इन माउंटेन्स है जो विलियम डगलस की लिखी हुई है उसमें से हम जो है एक छोटा सा हिस्सा जो है पढ़ेंगे जिसका नाम क्या दिया हुआ है डीप वाटर

है ना और फिर उन्होंने उसे कैसे ओवरकम किया उस पर जीत हासिल की नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर ठीक है अब ये हम देखो इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा जब ऑथर कितने दस या ग्यारह साल के थे तो ये याद रखना जरूरी है कि भाई कब की बात है वो एक्सीडेंट जो उनके साथ हुआ वो कब हुआ था जब वो दस या ग्यारह साल के थे ही टू लर्न टू स्विम उन्होंने सोचा था कि भाई मैं जो है अब स्विमिंग सीखूंगा वाई एम सी एक जगह है वहां के स्विमिंग पूल में वो गए थे स्विमिंग सीखने द पूल वॉज सेफर एज इट वॉज ओनली टू थ्री फीट शेलो एंड ग्रेजुअली गो डीपर टिल नाइन फीट ठीक है वो सेफर ऑप्शन था है ना भाई क्योंकि अगर वो किसी नदी में या किसी कहीं जगह पर सीखते तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि भाई कितना गहराई है आगे समुन्द्र कितना गहरा है है ना तो पूल जो है वो सेफ ऑप्शन था क्योंकि वो सिर्फ दो तीन फीट गहरा होता और आगे धीरे धीरे जाकर वो नौ फीट गहरा हो रहा था तो मतलब उन्हें यहाँ पर गहराई का पता था कि भाई हाँ कितना गहरा हो सकता था ही हेटेड टू वॉक इन द पूल हाफ नेकेड उन्हें जो है हमेशा मतलब है ना बुरा लगता था कि उन्हें जो है आधा नंगा होके जो है जाना पड़ता था पूल में दिस वॉज बिकॉज हीन इन लैक्स इंड डेंट वॉन्ट अदर्स टू सीम क्योंकि जो है वो काफ़ी पतले थे और उनकी टांगें भी काफी पतली पतली थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था डिस्पाइट दैट ही सब ड्यूड हिज प्राइड एंड स्टिल डोइ ठीक है और जो है वो सब होने के बाद भी उन्होंने जो है अपना जो प्राइड है जो घमंड उसको साइड में रखा और वो फिर भी गए द ऑथर वॉज ऑलवेज अड ऑफ वॉटर ऑथर जो ऐसा नहीं कि इंसिडेंट के बाद से ही वो डरने लग रहे थे पानी से उनको उससे पहले भी जो है पानी से डर लगता ही था बिकॉज हाज फादर टू हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया वेन ही वॉज थ्री और फोर ईयर्स ओल्ड ही गॉट नॉक डाउन बाय द वेव एन फेल्ट ही वॉज ड्रॉइंग दिस लेफ्ट एम अफ्रेड ऑफ दी वाटर ठीक है जो है उन्हें पहले से ही पानी से डर लगता था क्योंकि जब वो दो या तीन साल के थे तो उनके फादर उन्हें ले गए थे एक बीच पर कैलिफोर्निया में जहाँ पर एक वेव आई लहर आई और उनको इतनी जोर से हिट करा उसने कि उन्हें ऐसा लगा कि वो डूब रहे हैं तो उनके अंदर जब से ही पानी को लेकर डर बैठ गया था ही यूज वाटर विंग्स टू कीप हिम फ्राम ड्रॉइंग वाइल्ड ही वॉज लर्निंग स्विम ठीक है वाटर विंग्स जो ये होते हैं ना ये ये यहाँ पे आर्म्स पे पहना दिए जाते हैं ताकि क्या होता है ये आपको फ्लोट करवाते हैं पानी में ना ताकि आप अंदर डूबो नहीं तो ये वो विंग्स ही यूज करते थे क्योंकि उन्हें पानी से जो है डर लगता था इसलिए अब जो तो उनके साथ जो घटना घटी वो क्या थी

मदद से जो है अब वो ऐसे पैडल करना शुरू करते थे पानी मदद से तैरते हैं ना दूसरों को देखकर ऐसे करते थे और ये चीज जो है तीन दिन तक हुई और उसके बाद जो घटना थी वो घटी वन डे देर वॉज नो बडी अराउंड वेन द ऑथर वेंट टू द पूल अब एक दिन क्या हुआ कि जब वो पूल में गए तो उस वक्त जो है आसपास कोई भी नहीं था ही वॉज अफ्रेड टू गो इन अलोन सो ही सेट डाउन है ना आप क्या है कि वो भाई ना बहुत डर रहे था अकेला जाने में तो वो जो है जो पूल की जो साइड होती है वहाँ पर बैठ गए है ना ही सेट डाउन एट दी एज ऑफ द पूल टू वेट फॉर दी अदर्स अ बिग बॉय अबाउट एटीन ईयर्स ओल्ड शोड अप है ना लेकिन एक अट्ठारह साल का काफ़ी मतलब अच्छा हट्टा कट्टा सा लड़का था वो था वहां पर वो आ गया था ही ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट वॉज अ फिजिकल ब्यूटिफुलिजिकल विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शो ड्रिपिंग मासिल ठीक है अब ये जो बात है ना ये वाली जो ही वॉज अ ब्यूटिफुल और ये जो जो भी है ये हमारे ऑथर बोल रहे थे उनके लिए कि भाई एक एस, मतलब अलग ही स्पेसीमेंट था नमूना था है ना जो काफी मतलब क्योंकि बड़ा था हट्टा कट्टा था और काफी उसकी मसल्स बनी हुई थी तो काफी अच्छा लग रहा था ही हाई हाउ डू लाइक टू बी डग ठीक है अब वो वो क्या करता आता और वो होते ना ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जिनको बस अच्छा लगता है दूसरों को परेशान करना तो वो ऐसा लड़का था अब उसने जो है क्या बोला आके ऑतर को कि ना हाई स्की क्योंकि वो बिल्कुल दुबले पतले से थे है ना कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें इस पानी में डुबा दू he picked him up and tossed him into the deep end ठीक है अब वो क्या करता है उन्हें उठाकर और जो है जो डीप एंड है मतलब जो 9 फीट वाला जो एरिया था वहां पर उन्हें फेंक देता है पानी में the otter landed in a sitting position swallowed water and went to the bottom of the pool आप क्योंकि वो ऑलरेडी बैठे हुए थे तो वो ऐसा का ऐसा उठा के उन्हें फेंक देता है पानी में तो वही वो सिटिंग पोजीशन में जो है अब काफ़ी सारा जो है पानी भी मुंह में चल जाता है उनके निगल लेते हैं वो और जो है बिल्कुल जो स्विमिंग पूल है उसके एंड में पहुंच जाते हैं वो ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट ठीक है वो डर चुके होते हैं लेकिन वो इतना नहीं डरे होते कि वो अपनी बुद्धि ना यूज़ करे ऑन द वे डाउन ही प्लैंड वैन हिज वो डरे हुए होते हैं लेकिन इतना डरे हुए नहीं होते कि वो अपनी बुद्धि ना यूज कर पाए अब वो क्या करते हैं जब वो नीचे जा रहे होते हैं ना तो वो पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई है न क्या करना है जैसे ही मतलब क्या होगा जैसे ही मेरे पैर जो है वो जमीन पर नीचे टच करेंगे मैं वैसे ही जो है काफी जोर से जंप करूँगा और जो है सरफेस के ऊपर आ जाऊँगा और पूरा जो है जोर सरफेस पर ऐसे फ्लैट होके लेट जाऊंगा ताकि मतलब मैं फ्लॉट कर सकूँ है ना फ्लोटिंग कर सकूँ और मैं लेट जाऊंगा और फिर जो है पूल की तरफ जो है ऐसे पैडल करके तैर कर मैं पहुंच जाऊंगा किनारे की तरफ इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन लेकिन जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कितना टाइम हो गया पहुंच ही नहीं नीचे टू दी ऑथर दोज नाइन फीट फेल्ट मोर लाइक नाइनटी ठीक है अब उस वक्त जब उनकी हालत ऐसी हो रही थी तो उन्हें जो है वो नौ फीट कितने लग रहे थे नब्बे फीट के बराबर लग रहे थे बिफोर ही टच बॉटम हिज लंग्स वेडी टू बर्स ठीक है अब जो है वो मतलब बॉटम टच करते उससे पहले ही जो है उनकी लंग कैपेसिटी जो होती है ना वो खत्म होने लगी थी ऐसा लग रहा था कि उनके जो फेफड़े हैं वो फट जाएंगे बट व्हेन हैज फीट हिट बॉटम ही गैदरड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट ही थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स ठीक है लेकिन क्या हुआ जैसे ही वो पहुंचे उनके फीट जो है पैर जो है टच हुए उन्होंने अपनी सारी की सारी जितनी भी उनके अंदर जान थी वो इकट्ठा की और बस जोर से जो है वो कूद गए जंप लगा दी उन्हें जो उन्हें लग रहा था कि काफी ग्रेट जंप है है ना ही इमेजेंड ही वुड बॉप टू द सर्फ इज लाइक अ कॉक इंस्टेट ही केम अप स्लोली अब उन्होंने ऐसा सोचा था कि भाई मैं जो है जल्दी से ऊपर जैसे एक कॉर्क नहीं होती शैम्पेन की कॉर्क होती जैसे उसको हिलाते हैं तो वो कॉर्क एकदम खट करके निकलती है तो वो यही सोचते हैं कि भाई जो है मैं ऐसे ही ऊपर पहुंच जाऊंगा लेकिन वो काफी स्लो ऊपर आ रहे होते हैं ही ओपन बट वॉटर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता बस पानी ही नजर आता है मतलब वो अभी भी जो है पानी में ही होते हैं वेन ही थॉट ही रीच द टॉप ही ओपन आईज

He He at the the surface of water, water. swallowed on on and choked started going back down, still struggling to go up, but it was आप क्या होता है कि भाई वो सरफेस पे आ जाते हैं लेकिन क्या होता है कि वो वापस जो है काफी सारा पानी जो है निकल लेते हैं और चौक को जाते मतलब चौक उनको जो है मतलब ऐसा होता है ना फंदा लग जाता है या अटक जाता है पानी वो होता है वापस जो है पानी के अंदर जाने लगते हैं और वो कोशिश करते हैं लेकिन वो सारी कोशिश कैसी हो जाती है फ्यूटाइल फ्यूटाइल होना व्यर्थ ही लॉन्ग जर्नी बैक टू of ऑफ pool। अब जो है वो वापस जो है पानी के अंदर जो है जाने लगते हैं दोबारा ही had लॉस्ट ऑल his ब्रेथ अब उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। his lungs were aching। हेड was थ्रोबिंग अब उनके जो लंग्स हैं फेफड़े में दुखने लगते हैं और उनके सर में जो है काफी ऐसे दर्द होने लग जाता है, है बेहोश होने लगते हैं ठीक है डिजी होना मतलब बेहोश होना एक तरीके से बेहोशी की हालत में आना है ना प्रॉपर बेहोश ना होना बेहोशी की हालत में आना But then, है ना फिर उन्हें जो है वापस अपनी वही स्ट्रेटजी याद आती है आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर आई वुड लाई फ्लैट ऑन दॉटर स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ ठीक है अब क्या होता है उन्हें वापस अपनी पूरी स्ट्रेटजी जो उन्होंने पहले प्लान की होती है वो याद आती है कि मैं वापस नीचे जाऊंगा जोर से जंप करूंगा एक कार्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा बिल्कुल फ्लैट होके वहाँ लेट जाऊंगा है ना और फिर धीरे धीरे जो है एज ऑफ दूल पे आऊंगा मतलब पूल के किनारे पे आऊंगा और सेफली बाहर निकल जाऊंगा एज he वेंट डाउन ही was ओवरकम विद overwhelming fear. He ही कुड नॉट थिंक क्लियरली was स्ट्रगलिंग टू कीप कंट्रोल ठीक है जब वो strategy बनाते हैं उसके बाद क्या होता है उनके ऊपर वो डर इतना हावी होने लग जाता है कि वो बिल्कुल क्या होते हैं मतलब उनका कंट्रोल नहीं रहता उनकी बॉडी पर टू दी ऑथर सच काइंड ऑफ टेरर कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनी वन हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट द टेरर ऑफ़ हेल्पलेसनेस ठीक है आप भाई है ना है सही बात है जो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं ना कि जब तक आप वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते ना आप नहीं जान सकते कि दूसरे ने क्या आ, मतलब एक्सपीरियंस किया आप कभी नहीं जान सकते और आपको वो डर का कभी भी नहीं पता चलता जिसका नाम क्या है लाचारी का डर ये क्या हेल्पलेसनेस लाचारी हिज फियर वाज सो ग्रेट ही फेल्ट पैरालाइज्ड एंड कुड नॉट मूव हिज बॉडी टू गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन अब उनका जो डर है वो इतना बढ़ जाता है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या होता है वो एकदम पैरालाइज हो जाते हैं और उनकी बॉडी मूव नहीं कर रही होती एट लास्ट ही बॉटम ऑफ दूल एज फीट टच द फ्लोर ऑफ द पूल ठीक है अब जो है वो बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं पूल में और उनका जो पैर होते हैं दिन टू हिस्सेंट्रेंथ इन टू हिज जम्प अब जो ऑथर है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है यूज करते हैं और जो है जम्प करते हैं ही वॉज लॉन्च फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल यट देर वॉज सो मच वॉटर

His terror was even deeper this time. It felt like an electric shock. He shook and trembled. ठीक है आप जो उन्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है अब इससे मतलब पिछली बार से ज़्यादा उनका जो डर है वो बढ़ने लग जाता है। ऐसा लगता है कि उनको जो है कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। He could not move his body at all. He tried to scream and call for his mother, but nothing, nothing. हेल्प ठीक है आप वो अपनी बॉडी जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं चिल्लाने की क्योंकि क्या होता है हमेशा क्या होता है कि हमें जब भी कोई भी चीज मतलब हमें परेशानी होती है तो हमें अपनी मदर ही याद आती है तो वैसा ही यहाँ पे उनके साथ हो रहा होता है लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पाते हैं अल्टीमेटली ही सॉ सम लाइट आउट आउटसाइड ऑफ द पूल ही वॉज अगेन एट दिस सर्फिस ठीक है अब जो होता है एट दी एंड वो उनको कुछ लाइट नजर आती है और जब वो देखते हैं तो वो वापस जो है पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं हा एवर ऑल इज एफर्ट वर इन वेन एज ही स्टार्ट टू ड्राउन अगेन लेकिन क्या होता है कि उनकी जितनी भी कोशिश होती है वो सब बेकार चली जाती है क्योंकि वो अब वापस जो है पानी में डूबने लगते हैं अब तुम खुद सोचो कि एक इंसान जो एक नहीं दो बार डूब चुका है वो तीसरी बार डूब रहा है तो उसको कितना डर बैठ गया होगा उसके दिल में ही for एयर टू survive under water, बट फेल्ड एट दिस टू एंड sucked इन वाटर अब वो सोचते हैं कि चलो अब मैं दोबारा डूब रहा हूँ तो पहले थोड़ी सी एयर ले, ले लेता हूँ सांस ले, ले लेता हूँ बट उसमें भी वो फेल हो जाते हैं क्योंकि सांस की जगह जो है पानी जो है वो सक कर लेते हैं अपने अंदर काफी सारा द ऑथर फेल्ट दिस वॉज दी एंड ही क्विट ऑल एफर्ट्स ही रिलैक्सड ब्लैकनेस स्वेप टू हिज माइंड ही कुड नॉट सेंस फील और थिंक एनी थिंग अब जो ऑथर उन्हें ऐसा लगता है ऑब्वियसली कोई भी होगा तो उसे ऐसा लगेगा कि यार कितनी कोशिश कर ली दो बार हो गया अब तीसरी बार फिर जा रहा हूँ इसका मतलब शायद बस इतनी ही मेरी लाइफ है वो क्या करते हैं बिल्कुल गिवप कर देते हैं है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और जो पूरे उनका जो माइंड है उसके ऊपर पूरा अंधकार चाह जाता है ही कुड नॉट सेंस फील और थिंक एनीथिंग ना तो उन्हें कुछ फील हो रहा होता है ना उनके कोई सेंस वर्क कर रहे होते हैं कुछ भी नहीं होता हीज़ बॉडी गेव अप देयर वॉज नो मॉफ यर ही फेल्ट नो पैनिक उनकी जो बॉडी है वो भी हार मान लेती हूँ और ऐसा लगता है कि कोई डर ही नहीं है और उन्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा होता इट फेल्ट क्वाइट एंड पीसफुल नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ इट फेल्ट नाइस टू बी स्लीपी टू गिव अप ऑल एफर्ट एंड जस्ट गो टू रेस्ट मतलब काफ़ी शांत और काफी पीसफुल सा माहौल था वहां पर और ऐसा लग रहा था किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है काफी अच्छा लग रहा था कि हाँ सो जाओ सारे अपने एफर्ट दे दो और रेस्ट कर लो द ऑथर वॉज एक्सपीरियंसिंग टू थिंग्स अब जब ये चीज चल रही थी उसके उसमें जो है ऑथर ने दो चीजें एक्सपीरियंस की फर्स्ट हिज बॉडी हैड ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नॉक्स पीपल आउट ठीक है पहली चीज़ तो क्या थी कि उनकी जो बॉडी है ना उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी और जब ऐसा होता है ना कि हमारी बॉडी में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती है तो हम जो है इसी वाली कंडीशन में चले जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं मैनी एन रेफर टू पीपल सरेंडरिंग टू देर प्रेजेंट सिचुएशन एंड देयर डेमाइज डरिंग द देयर फाइनल मोमेंट्स है ना अब क्या होता है कि भाई है ना जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना तो उस वक्त क्या होता है जब इंसान मतलब बिल्कुल क्या होता है जब उसे लगता है ना कि हाँ बस अब उसकी मृत्यु होने वाली है या गिव अप करना है तो वो क्या होता है सरेंडर कर देते हैं सिचुएशन में और काफ़ी जो है पीसफुल वो फी, फील करते हैं आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द करन ऑफ़ लाइफ फेल ठीक है अब क्या होता है वो ऑब्लिवियन क्रॉस कर चुके होते हैं मतलब उन्हें लगता है कि अब वो जो है एक दूसरी दुनिया में चले गए या स्वर्ग में चले गए एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि बस उनकी लाइफ यहाँ खत्म है और पर्दा उनकी लाइफ का गिर गया मतलब अब वो मर चुके हैं ठीक है ठीके? अब इसके आगे क्या हुआ ठीक है आप तुम बोलोगे कि मैम मरे तो नहीं है है ना क्योंकि अगर मर चुके होते तो ऑटोबायोग्राफी कैसे होती है या ये खुद कैसे स्टोरी बता रहे हैं तो यस यू आर राइट कि वो मरे नहीं है लेकिन आगे क्या हुआ तो आप जैसे कि हमने ओवरव्यू में देखा था कि पहले तो उनके माइंड में उनकी जो दिल है उसमें जो है एक फियर बैठ जाता है पानी का तो अभी वो चीज हुई है है ना अभी ये चीज हुई है कि उनके मन में जो है वो पानी का डर बैठ चुका है है ना लेकिन अब हमने दूसरी चीज भी देखी थी कि वो इसे ओवरकम करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम यही देखेंगे कि कैसे उनका जो दिल है अब क्या सिचुएशन है अभी भी क्या हुआ है क्या वो अभी भी बचेंगे या कैसे बचेंगे ये चीज देखनी है हमें और दूसरा देखना है कि वो इस चीज को कैसे ओवरकम करते हैं ठीक है उसी के साथ हम उसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में This is Madiha Khan signing off right now. Bye bye and have a nice day.